फ्रेंड्स, इस समय मैं खड़ा हूँ पलालम बीच पे और दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा पूरा पीछे समुद्र का आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं जाऊँगा थोड़ी देर में, यहाँ से डॉल्फिन बीच पे जाना है मैंने और एक मट आइलैंड जाना है और थोड़ी देर बाद हमने एक बोटिंग भी बुक करी। हमने लगभग 5 से 7 हम यहाँ पर लोग हैं और जाएंगे थोड़ी देर में दोस्तों। अब देख सकते हो पूरा पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ पीछे का, ये पूरा आपको देख सकते हो। दिख रहे हैं इस बीच के चारों तरफ आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे हट हैं, एक्चुअली दोस्तों ये जो हट हैं ये रेंट पे लिए जा सकते हैं और एक जो हट का जो रेंट है एक नाइट का वो है लगभग 3000 रुपये 1 कपल के लिए। और दोस्तों जैसे ही आप शाम के टाइम का जो नज़ारा देखोगे हट का और सुबह सुबह का जो नज़ारा है वो देखने ही बनता है। ये देखिए पास में ही ये बीच, और अगर आप कपल के साथ आए हो तो ये जो हट है आपको 3-3.5 हज़ार रुपये इसका जो रेंट है पर डे का है, आप आसानी से यहाँ पर रह सकते हो। तो बहुत ही गजब का नज़ारा है, बहुत ही, ये क्या बताऊँ, आई हैव नो वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पर 3-4 ऐसे छोटे छोटे बीच हैं, जैसे कि मानसून बीच हो गया, हनीमून बीच हो गया और मंकी बीच हो गया। दोस्तों उन बीच पर भी जाने की हम कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स हमने एक बोट को हायर कर लिया है और ये जो बोट है बोट आपको दिख रही होगी, इस बोट को हमने कराया है, 6 हम लोग हैं और 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से हमने इस बोट को हायर किया है। तो दोस्तों ये बोट हमें लेके जाएगी सभी बीचों पर और दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर फन भी कर रहे हैं और सबसे शांत बीच ये माना जाता है। दोस्तों इस बीच को विजिट करने के बाद हम और जो हमारा नेक्स्ट जो बनेगा प्रोग्राम देखते हैं, अब क्योंकि 3-4 दिन की हमारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग सेट है ऑलरेडी। दोस्तों देखें गोवा के कौन कौन से जोन में हम जा सकते हैं, फिलहाल हम हैं साउथ जोन में। तो दोस्तों ये देखें बीच का विजुअल दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों फाइनली बोट हमारी बुक हो चुकी है, अब हम बैठेंगे बोट में। आप देख सकते हो इस समय बैठा हुआ हूँ मैं बोट में और मेरे साथ टोटल हम हैं 6 जने हैं और हमने दोस्तों ये जो बोट बुक करी है ये बुक करी है हमने 3000 रुपये में, यानी कि पर पर्सन 500 रुपये। अब दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए पूरा पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो इस समय बैठा हुआ हूँ मैं बोट के अंदर, एक्चुअली बैठा नहीं, खड़ा हूँ। तो ये देखिए पूरा वो बीच है। तो दोस्तों जो सामने आपको चट्टान दिख रही है, देखिए बिल्कुल प्रकृति ने इसे इस रूप में ढाला है, देखने में बिल्कुल एक कछुए जैसी लगती है। तो प्रकृति के भी बहुत से अजब नज़ारे हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों ये भी एक एडवेंचर है प्रकृति का, देखें दोस्तों और क्या क्या देखने को आगे हमें मिलता है। फ्रेंड्स ये है मंकी हिल बीच और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं हनीमून बीच पर। अब दोस्तों मैं आपको लेकर जाऊँगा हनीमून बीच पर। तो फ्रेंड्स इस समय पहुंच गया हूं मैं हनीमून बीच, बिल्कुल छोटा सा एक बीच है और यहां पे कपल्स ही आते हैं दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी अच्छा और छोटा सा बीच है। और यहां पास में ही एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा स्टोर है और इस स्टोर पे मिल सकती है आपको बियर, अगर आप बियर के शौकीन हो तो आराम से यहां पे बियर भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छा और शानदार व्यू यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। और ये है हमारी बोट जिस बोट में हम आए थे बैठ कर, वो वापस जा रही है और थोड़ी देर में हम वापस दोबारा जाएँगे। आपको दिखा रहा हूँ पूरा व्यू,
हनीमून बीच है और काफी कपल्स यहाँ पर आते हैं और छोटा सा एक बीच है। देखते हैं क्या बियर का रेटेज है। हालांकि दोस्तों मैं पीता तो नहीं हूँ बियर, लेकिन मैं गोवा बीच पर हूँ तो देखते हैं आखिर इनका क्या रेट है और किस रेट में हमको ये बियर या फिर ड्रिंक मिलती है। तो फ्रेंड्स ये जो बियर का जो रेट है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ वो है 150 और अगर छोटा लेते हो तो वो है 100 रुपीज़। तो दोस्तों अब मैं ले रहा हूँ एक बियर, हालांकि मैं पीऊँगा नहीं, मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर पीते हैं। तो दोस्तों बियर एक लेते हैं और आपको मैं रेट बताता, ये बता ही दिया मैंने आपको 150 रुपये का जो है टोटल बियर का यहाँ पर रेट है और अगर आप बोट बैठ के इन्जॉय करो काफ़ी आपको फंसाने वाला है। फ्रेंड्स अब जा रहा हूँ मैं समंदर के अंदर। देख सकते हो आप कितना छोटा सा ये बीच है और काफी सारे यहाँ पर कपल्स हैं, हालांकि बहुत इसका नाम ही हनीमून बीच है तो आप सोच सकते हो कितना सीक्रेट बीच होगा और काफी छोटा ये बीच है। आप देख सकते हो काफी लोग यहाँ पर फन कर रहे हैं और आपको दिखाता हूँ मैं, फिलहाल ज्यादा नहीं दिखाता क्योंकि हर किसी की सीक्रेट लाइफ है। ये है कुछ कपल्स हैं काफी जो है यहाँ पर आप लोग और कुछ लोग नहा रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं विजुअल। देखिए दोस्तों अब ये हमारी है बोट और इस बोट से दोस्तों हमने जाना है वापस क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब इस जर्नी को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे और दोस्तों नेक्स्ट जर्नी देखते हैं हमारा क्या होता है। तो दोस्तों तब तक वेट करें आप। तो फ्रेंड्स पलोनोमा बीच के बिल्कुल ये पास में ही एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में बैठे हम खा रहे हैं खाना। फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ हर बंदे की अपनी चॉइस है, हमने इसलिए मिक्स वेज और ये मटर टिक्का और चपाती पराठा, तो हर किसी का अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने ये जो लिया है खाना लिया है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता दूँगा कि यहाँ पर बहुत कम चांसेस है आपको वेज खाना मिल जाए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नॉन वेज ही जो खाना है अवेलेबल है और सी फूड अगर आपको है बहुत आसानी से हमें मिल ही जाएगा। दोस्तों खाना खाने के बाद सीधा हम जाएंगे अपने फ्लैट में और जाकर करेंगे रेस्ट और यहीं ख़त्म करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो किसी नई जगह और किसी नए प्लेस का नए सब्जेक्ट के साथ।